कंडीशन जो है वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, ग्रीन पिच है, हमने भी उनको आउट किया, फास्ट बॉलर्स ने आउट किया, तो थोड़ा डिफिकल्ट था खेलना उसके ऊपर, लेकिन उसको अडेप्ट किया और कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन किए जाएं। अभी हमारी 140 की लीड थी, समथिंग इतने की लीड थी जब हम ऑल आउट हुए हैं, तो अभी उनका एक आउट है मेरे ख्याल से 60-70 पे, लेकिन सुबह आएंगे फास्ट बॉलर फ्रेश आएंगे, जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि लीड के अंदर ही उनको आउट करें, अगर नहीं भी कर सके तो कम से कम टारगेट हमें मिले और कोशिश करेंगे कि कल ही मैच को फिनिश करें। मैं पीसीबी को थैंक यू कहना चाहता हूँ इस पे कि ये बैक टू बैक सीरीज़ करवाई उन्होंने, पहले बांग्लादेश ए के अगेंस्ट थी, अब श्रीलंका ए के अगेंस्ट है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है यंग प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस होते हैं, इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट उनको खेलने को मौका मिलता है और उसमें परफॉर्मेंस करते हैं तो आगे हाईलाइट होते हैं और नेशनल टीम के लिए उनको देखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है शाहीन्स के टूर्स, क्योंकि पहले ऐसे हो नहीं रहे थे 3-4 सालों में ना, अब ये पीसीबी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये शाहीन्स के टूर्स करवा रहे हैं, इससे नए जो यंग प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं वो सामने आते हैं और उनको देखा जाता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से ये शाहीन्स के टूर्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए।